तुसी देख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैं हाँ निर्मल संधु। खबरों की शुरुआत करन तो पहला एक नज़र सुर्खियां ते पा लैने आ। जमीन के एक टुकड़े की हिंसा तो बाद सहारनपुर विच माहौल लगभग होया शांत। सिखां दे नाल नाल हिंदू भाईचारे का भी करोड़ों रुपए का होया नुकसान। पटियाला के पिंड राजगढ़ विच वंडे गए पांच पांच मरलिया के प्लाटा की प्रशासन वालों की गई बोली। विरोध विच लोगों ने किया रोस प्रदर्शन। लुधियाना के बसंत एवीन्यू 15 लाख की डकैती करने वाले गिरोह के 6 मैंबरों को क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार। मारू हथियार से चोरी का समान भी बरामद। अज दुनिया भर में बड़ी धूमधाम के नाल मनाई जा रही है ईद। मस्जिदों के लगिया रौनक बाजारों में भी चहल पहल का माहौल। जी बुलेटिन की तफसील से शुरुआत करते हैं सहारनपुर नाल जुड़ी खबर तो जिथे माहौल शांत हुंदा नज़र आ रहा है पर पिछले दिनी जो कुछ भी होया वो किसी बुरे सपने की तरह हमेशा याद रहेगा। जमीन के एक टुकड़े लैके सहारनपुर में भड़की हिंसा के दौरान ना सिर्फ सिखां नूं निशाना बनाया गया बल्कि इस दौरान एक मुस्लिम वर्ग ने हिंदुओं दीआं दुकानां नूं भी अपना निशाना बनाया अते सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया। यह सब कुछ असी नहीं बल्कि इस हिंसा का शिकार हुए हिंदू भाईचारे के लोगों का कहना है जिन्हों के मुताबिक सहारनपुर के खराब हुए माहौल दौरान शरारती अंसरों ने उन्हां दीआं दुकानां विच भी लुट घसुट की। सो बीते जो भी दिनों के सहारनपुर के वापरिया उस दौरान सिखां दे नाल नाल हिंदुओं नूं भी नुकसान चलना पिया। जिंदगी मुड़ पटड़ी ते परतन लगी है पर इस विच जो कुछ भी नुकसान होया वो किसी बुरे सुपने की तरह जिंदगी विच हमेशा याद रहेगा। छुरे छारे लैके उन्होंने पुलिस वालों नूं डराया और अपना फायर ब्रिगेड वालों पर लिया। उस तो बाद उन्होंने एक एक दुकान जी हिंदू दी सिख दी चुन चुन के नूं खोलिया उन्हें ताले तोड़े और उस तो बाद लुटिया जरा लुटन का माल आई लुट लिया जो अग लगा दी सब सुहा कर दिता और असी लोग जड़े वो बर्बाद हो गए किस्म के साड़ी तो पूरी ये आई सब कुछ आई। इतने एक गुरुद्वारे के जमीन के विवाद के कारण जो कि गुरुद्वारा सिंह सभा मुकदमा जीत गई सी वो अपना निर्माण कार्य कर रही थी। दूसरे समुदाय के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके नाल एक पूरे षड्यंत्र करके और साड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाइप की दुकाना और चुन चुन के जिहड़ियां साड़ियां दुकाना हिंदुओं दीआं पंजाबियों दीआं सिखां दीआं ने उन्हां नूं टारगेट बनाकर पूरी तरह नाल लुटिया। पहले लुट के उन्हां नूं अग्गां लगाईआं गईआं ने सारा समान कीमती समान साड़ा लुट के लै गए ने। साड़ी प्रशासन नूं शासन नूं सरकार नूं मांग है कि साड़ा लुटिया हुआ माल बरामद कराए और मुआवजा दिता जाए। तो जुर्म नाल जुड़ी अगली खबर है लुधियाना तो जिथों की पुलिस ने उस वेले एक वड्डी सफलता हासिल की जदों बीते दिनी बसंत एवीन्यू विच होई 15 लाख रुपए की डकैती करने वाले गिरोह के 6 मैंबरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीते दिनी बसंत एवीन्यू विच 4 हथियारबंद नौजवानों ने एक कोठी विच लुटमार की सी जिस विच करीब 14,80,000 रुपए नकद एक लैपटॉप 3 मुंदरियां ते होर भी सोने के गहने लैके फरार हो गए सन। वारदात तो बाद पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इन 6 मुलजमान हंबड़ा रोड लुधियाना तो गिरफ्तार किया है जिन्हों को एक पिस्तौल 6,98,000 रुपए नकद लैपटॉप 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। पुलिस इस ग्रोह तो डूंगाई दे नाल पुछ पड़ताल मगरों कुछ होर खुलासे होने की भी उम्मीद जता रही है। एक प्रॉपर्टी की डील हुई है जिसके पैसे घर के पे हुए हैं। घर के लेडीज ही अकलिया सी है जिसका फायदा उठा के इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिता है। करीब 7 लाख रुपए की नकदी एक लैपटॉप कुछ गोल्ड ज्वैलरी और कुछ आर्टिफिशियल ज्वैलरी इस वारदात के वरत्या हुआ 315 बोर का देसी कट्टा समेत 2 जिंदा कारतूस असी इन्हों तो बरामद किए। पटियाला के पिंड राजगढ़ विच साल 2005 दौरान गरीबों नूं रहण वास्ते कांग्रेस सरकार वेले 5-5 मरलिया के प्लॉट अलॉट किए गए सन पर बीते दिन इस थां दी प्रशासन के वलों बोली कर दी गई। हालांकि इस बारे जदों लोगों नूं पता लग्या तो उन्होंने इसका विरोध भी किया पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी विच किसी की भी एक नहीं चली। लोगों ने बोली करन आई टीम का जबरदस्त विरोध किया। यह भी दसना बनता है कि इन्हां अलॉट किए गए प्लॉटों की थां ते कुछ गरीबों ने मकान भी बना रखे ने जबकि बाकियों ने नीहां भर के आपो अपने कब्जे किए हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मनीए तो यह थां पटियाला संगरूर हाईवे से स्थित है जिस कारण शुरू तो ही पिंड के कई अमीर घरानियां की इस ते अख बनी हुई है। उधर इस मामले नूं अदालत विच भी विचारिया गया है।
जनरल कैटागरी ने साढ़े उपर जी कुछ केस पाते जी, वो केस भी असं जित चुके जी। तो जी प्लाट अलॉट होने के बावजूद जी साडा काम लास्ट स्टेज पर जाके रुक गया जी, अपने डी साहब के साइन नहीं हुए जी ओनली, बाकी काम उत्थे लोगों ने जी आपके कब्जे भी करे हुए जी, सारा कुछ कराया हुआ लोगों ने स्टेज लिया जी। तो लोगों को यही आस है जी भी सानू ये प्लाट कदों मिलने जी, कदों मिलने साढ़े नाल अज तक आसाही करी जा रही है जी। शामलाट जमीन की बोली करना आए थे सरकारी हिदायतों मुताबक सानू दफ्तर चिट्ठी कड़ी गई है, ड्यूटी लाई गई है, फिर सन्नतां तां दिखाउणा हजे मंजूर नहीं होए है, जब मंजूर हो गए ना प्लाट दिते जाणे, मकान तां इन्हां ने बना ले पर जदों इहनूं अलॉटमेंट होऊगी सन्नतां देवांगे फिर इन्हां प्लाट दिते जाणगे, जिथे जिहड़ा नक्शा पवे तैयार होगा जगह दा होऊगी भी इन्नी जगह चा कट्टे जांदे ने उहनूं इहनां पंज पंज मरले च प्लाट देवांगे। पटियाला दी ही पुलिस ने विभाग के एक रिश्वतखोर असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के मुलाजम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। शिकायतकर्ता सुखदेव सिंह ट्रांसपोर्ट विच काम करता है, जिसके मुताबिक उसकी गड्डी नूं लोड करके एक थां तों दूजी थां ते लै जाण दे लई सरकारी फीस तो इलावा मुलजम ऋषिपाल उर्फ जसपाल सिंह वाधू रिश्वत की मांग कर रहा है। उधर विजिलेंस की टीम ने जदों जाल बिछाया तो इस नूं रिश्वत दे 20,000 रुपयां दे समेत रंगे हत्थी गिरफ्तार कर लिया गया। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਅਲੀਆਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ AETC ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਲੋਡਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਏਟਦੇ ਸੀ। बीती रात ईद दे चंद दे दीदार करन तो बाद अज दुनिया भर दे विच बड़ी धूमधाम दे नाल ईद दा त्यौहार मनाया जा रहा है। अज सवेर तो ही मस्जिदां दे विच रौनकां लगियां होईयां ने अते मुस्लिम भाईचारा नमाज अदा करके एक दूजे नूं ईद दी मुबारकबाद दे रहा है। दिल्ली दी जामा मस्जिद विच भी अज सवेरे 7:30 बजे नमाज अदा कीती गई अते हर साल दी तरह इस वार भी मस्जिदां दे विच पहुंचे मुस्लिम भाईचारे दे चेहरियां ते ईद नूं लै के रौनकां देखण नूं मिलियां। जी उधर अमृतसर पठानकोट नैशनल हाईवे से एक आटो और बस के विचाले हुई टक्कर विच 4 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए सन। इन्हां बच्चों के परिवारिक मैंबर ते होर पिंड वासियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलदिया जम के नारेबाजी की। दरअसल इन्हां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हादसे वाले दिन सेहत मंत्री सुरजीत कुमार जानी और हल्के के 3 विधायक बच्चों का हाल चाल पुछण लई सिविल हस्पताल पठानकोट पहुंचे सन और जख्मी बच्चों का मुफ्त इलाज से माली मदद करने का भरोसा दिता से, पर यह वादा लारे विच तब्दील हो गया है। उन्होंने दसिया कि मदद तो दूर उल्टा पुलिस वालों उन्होंने बच्चों के खिलाफ ही गलत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उधर दूजे पासे पठानकोट पुलिस ने लगाए गए इल्जामों तो पल्ला झाड़ दिता। कोई पैसा नहीं लाना उत्ते कोई खर्च लाज ही नहीं सही करे जिले सदन जन्दे उले खान पौंदियां ही अगो मैडम अदियां जी हुण ते हो गया आ तुहाडे बच्चे ठीक ते आ साडे बच्चे ठीक होंदे आ ही उत्थे जरूर चुक के लियांदे पैंदे कुड़ियां ही जी साडियां इन्हां दी बेटी जी इन्हां दा मुंह पूरा डैड बहुत गरीब बंदे ने दिहाड़ीदार आदमी ने जी ते इन्हां कोई सहायता नहीं कीती जा रही जे साडी गल नहीं सुनी गई ते 48 घंटे बाद नैशनल हाईवे जाम करांगे। बदली करन दे विरोध विच गुस्से च भड़के ETT अध्यापकों ने बठिंडा च टीचर होम विखे जोरदार रोस प्रदर्शन किया। इस दौरान बठिंडा पुलिस ने इन्हां प्रदर्शनकारी अध्यापकों नूं रोकण दे लई सुरक्षा दे पुख्ता बंदोबस्त किए सन। अध्यापकों ने कहा कि उन्हां दी मनमर्जी अते बिना किसी इजाजत तों गैर कानूनी ढंग दे नाल कीतियां गईयां बदलियां नूं रद्द किया जाणा चाहीदा है, नहीं तां उह आगामी जिमनी चोणां दौरान सहयोगी जथेबंदियों दे नाल हलका तलवंडी साबो विच पंजाब सरकार दे खिलाफ वड्डे पद्धर ते मोर्चा खोलणगे। हरियाणा के लिए वक्री गुरुद्वारा कमेटी के एडहॉक प्रधान जगदीश सिंह झिंडा अपने मैंबरों के समेत कल श्री हरिमंदर साहब विखे मत्था टेकने के लिए पहुंचे।
इस दौरान पंथक सेवा लहर के मुखी संत बाबा बलजीत सिंह दा दुवाल साहब भी मौजूद सन। इस दौरान श्री हरिमंदर साहब और श्री अकाल तख्त साहब विखे नतमस्तक होने तो बाद मीडिया नाल गलबात करदिया चिंडा ने कहा कि हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी होंद विच आ चुकी है और हुण मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जथेदार सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह श्रोमणी कमेटी प्रधान अवतार सिंह नूं बेनती करके हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंध संभालिया जाएगा। प्रबंधक कमेटी अस्तित्व आ चुकी है और गुरु घर का प्रबंध कानूनी तौर पर हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मिल चुका है। फिजिकली तौर पर असी बाल साहब अकाल तख्त साहब के जथेदार बादल साहब अवतार सिंह जी ने बेनती पत्र भेज के अपने गुरु घर की सेवा संभाल की बेनती करांगे। सानू उम्मीद है सरदार प्रकाश सिंह बादल जो बहुत सूझे सियाने लीडर ने कौम के अहत लीडर ने वो अपने वड्डे भरा का फर्ज अदा करनगे अते छोटे भरा जो उन्होंने गुरु घर का प्रबंध कानूनी तौर पर मिले और कोई अड़चन नहीं पाएंगे अते ना ही कोई ऐसी जी स्थिति पैदा करेंगे जिस कानून भंग हों जिस शांति भंग हों। पंजाब दे पिंडां नूं वधिया सेहत सहूलतां दे नाल जोड़न दे उद्देश नाल पंजाब दे सेहत मंत्री सुरजीत कुमार जियाणी ने महल कलां विखे एक सेहत केंद्र दा उद्घाटन कीता है। इस आधुनिक हस्पताल दे नाल इस इलाके दे दर्जना पिंडां दे लोकां नूं सेहत सहूलतां दा लाभ मिलेगा। इस मौके सेहत मंत्री ने कहा कि पिंडां दे लोकां दे लई इस हस्पताल दे विच डॉक्टरां दी वधिया टीम नियुक्त कीती जाएगी तां जो लोकां दा सुचारू ढंग दे नाल इलाज संभव हो सके। केंद्र है उत्थे भी कमी नहीं है, चाहे अस्पताल है 234 प्रकार की असी दवाई देंदी है सरकार, 234 प्रकार की दवाई का इन्ना सौखा उपराला करता। असी पूरे पंजाब से 3 स्टोर बनाते, एक बनाता बठिंडा, एक बनाता मोहाली, एक बनाता अमृतसर वेरका, तो ताकि ऑनलाइन कंप्यूटर से जिस डॉक्टर को दवाई चाहिए है 10 घंटे दवाई इतने उपलब्ध होंगी। तो इस दे नाल ही वेला हो चलिया तुहाडे तो इजाजत लैंदा, पर जांदे जांदे एक बार फिर नज़र पावांगे हुण तक दीआं सुरखियां ते। जमीन दे एक टुकड़े दी हिंसा तो बाद सहारनपुर विच माहौल लगभग होण लगा शांत, सिखां दे नाल नाल हिंदू भाईचारे दा भी करोड़ां रुपए दा होया नुकसान। पटियाला दे पिंड राजगढ़ विच वंडे गए 5-5 मरलियां दे प्लाटां दी प्रशासन वल्लों कीती गई बोली, विरोध विच लोकां ने कीता रोस प्रदर्शन। लुधियाणा के बसंत एवीन्यू 15 लाख की डकैती करने वाले गिरोह के 6 मैंबरों को क्राइम पुलिस ने किया गिरफ्तार, मारू हथियार और चोरी का समान भी बरामद। अज दुनिया भर में बड़ी धूमधाम के नाल मनाई जा रही है ईद, मस्जिदों के लगिया रौनक, बाजारों में चहल पहल का माहौल। सो इस बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही, कुछ होर खबरों के छेती मिलेंगे, तद तक इजाजत दिओ।